हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज की इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं बल्लारचा के किले में। तो वहाँ पे जाके आपको आप इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलो गाइज, चलते हैं भाई, चलते हैं। ये गाय आ गई हमारी माता। चलो तो गाइस, मैंने याद नहीं किया तो मैंने एक चिट्ठी पे लिख के लाया हूँ, तो ये आपको पढ़ के बताता हूँ। सुनिए गाइस, बल्लारपुर किला महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक प्राचीन किला है। वर्धा नदी के तट पर बल्लारपुर किले में स्थित है। किले के राजा का नाम खांड्या बल्लार है। यह किला 1832 में बनवाया गया था। अब काफ़ी अब्दग्रस्त स्थिति में है। चलो गाइस, अंदर का इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। चलो ब्लॉग में बने रहना आप। गाइस, ये दरवाजे अंदर जाने का, चलो गाइस चलते हैं अंदर। तो गाइस देख सकते हैं, अभी मेन गेट है किले का अंदर जाने के लिए। यहाँ पे कुछ दरवाजे हुआ करते थे पहले। चलो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। यहाँ से दरवाजे लगते रहते थे, अभी नहीं है। यहाँ पे इधर साइड भी तीन दरवाजे रहते थे गाइस, देख सकते हैं। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर। तो गाइस ये आखिरी दरवाजा इधर रहता है सेफ्टी के लिए। तो गाइस चलो चलते हैं। वहाँ पे बाइक रास्ता है, गिरने का डर होता है तो संभाल के जाना पड़ेगा हमें। चलो गाइस आओ मेरे पीछे पीछे, आपके पीछे चल जाएगी। आपको मान कमान कमान लेट्स बिगिन। अरे भैया, अरे भैया, ये क्या है, ये चुप कर दी। जय डांस डांस कर रहे हैं भाई रोहित भाई। अब देख सकते हो, मेरा दिल तो धक धक कर ले रहा है यार। देख सकते हो कितना बारीक सा रास्ता है ये। इधर दो रास्ते, नीचे से भी जा सकते हैं, साइड से भी जा सकते हैं। लग रहा है मैं तो नहीं जाना यार, पहले बता रहा हूँ, जाने वाला हूँ। तुम रुक रहे, और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। तो गाइस इधर आ चुके हैं, इधर बहुत छोटा रास्ता है और दीवार भी, पर मैं तो नहीं जाऊंगा। तो गाइस हम यहाँ से भी जा सकते हैं, पर आपको खुश करने के लिए हम यहाँ से जाएंगे। मेरा तो दिल धक धक कर रहा है, पर आपके लिए जा रहा हूँ। तो गाइस आपके लिए जा रहा था, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, आपके लिए कर रहे हैं सब। चलो गाइस मैं जा रहा हूँ, मैं तो नहीं आने। तो गाइस डर लग रहा है बहुत। तो गाइस मैं वापस जाके चप्पल निकल के आता हूँ, चप्पल से बहुत फिसलन हो रही है और पैर में पसीना आ रहा है। तो गाइस ये हमारी चप्पल है, बहुत खराब हो चुकी है, बहुत पसीने से ये हो गई है। तो गाइस चलो चलते हैं अभी, मैं तो बैठ के जाऊंगा, डर इतना लग रहा है गाइस, कैसा करें अभी। चलो 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 चलो, नो 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 गाइस, डर लग रहा है बहुत, डर लग रहा है, धक हो रहा है गाइस। गाइस विशाल उधर अटका है, आ जाओ आ जाओ, आराम से आ भाई, आराम से आ, आराम से आ।
नहीं तू नीचे से आ जा, नीचे से आ जा भाई, नीचे से आ जा, नीचे से आ जा भाई, नीचे से आ जा। तो गाइस थक गए हमें भी बहुत घूमने, अभी इधर इधर थोड़ा बैठने की जगह मिले तो बैठ के आते। लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, आपके लिए इतना करना है, आपके लिए लाइक करने को लाइक करेंगे नदी भी है, हम उधर भी जाके आपको वहाँ पर एक ब्लॉग भी देंगे, इसलिए आपको सब्सक्राइब करो, तो हम वहाँ का भी वीडियो ब्लॉग बनाने का आपको बताएँ। गाइस आप देख सकते इधर एक कुआ है, तो गाइस आपको अंदर बताएं थे यहाँ का सीन। चलो गाइस तो गाइस देख सकते हैं आप, आरवी क्रेजी ब्लॉग को सब्सक्राइब करो। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा सीन आता है किले का, देखिए गाइस इधर है पूरे किले, और बहुत से किले टूट चुके हैं यहाँ पे, जो महाराज जा रहते थे वहाँ वो तो नहीं रहा, पर घोड़े के तबेले उबेले वहाँ है। तो गाइस चलो वहाँ पे दिखाते हैं हम आपको, बस ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना कर देना। तो गाइस इधर आ चुके हैं हम घोड़े के तबेले में, तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये घोड़े का तबेला है, यहाँ घोड़ों को बांधा जाता था महाराजों की जब लड़ाई की जाती थी। तो गाइस देख सकते हो आप पूरी तरह बुलबुले छे और घोड़े रखे जाते थे यहाँ पे राजा होके। इधर भी कई सारे चमगादड़ भी घूम रहे हैं। देखिए गाइस पूरे घोड़े रखे जाते थे यहाँ पे महाराज होके, यहाँ से एक छोटा सा दूर था। चलो भाई आ जाओ, आ जाइए आ जाइए, तुम फास्ट। तो गाइस देखिए इधर भी घोड़े बांधे जाते थे महाराजा के स्पेशल घोड़े, इधर भी जो उनके खास घोड़े होते थे यहाँ बांधे जाते थे। और ये नदी है वर्धा नदी, इधर से वर्धा नदी आती है। चलो आपको वहाँ का भी सीन बताते हैं, क्या है ये हाइट गेन नहीं गाय, 7, 5, 4, 3, 2 कई लोग ये मालूम नहीं है, ये लोगों ने बनाया है राजा ने बनाया है, इसके बारे में कुछ हमारे को नॉलेज नहीं है, तो गाइस हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो चलो गाइस मैं दिखती हूँ, चलती हूँ। देख सकते हैं गाइस इधर से रास्ता नहीं है अभी जाने का, रास्ता तो है पर हम जा नहीं सकते। चलो गाइस इधर से बहुत रास्ता आड़ा टेढ़ा है, वहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए हम सीधा घर चलते हैं, वहाँ का आपको बताते हैं गाइस। तो दोस्तों घर जाके आपको घर का सीन बताते हैं, ब्लॉग में जरूर बंद रहना। चलो गाइस, तो गाइस आ चुके हैं हम घर, इधर हमारा घर है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए ब्लॉग का इंतजार करो, बाय। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।